बेसिकली अगर हम इंटर्नशिप के लिए है तो सबसे पहली चीज ये है कि हम अंडे से निकले हुए चूजे नहीं है, ठीक है। जो हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो ये मान लो कि अंडे से निकला हुआ चूजा है जिसे उड़ना भी सिखाना पड़ेगा, चलना भी सिखाना पड़ेगा, दाना खाना भी सिखाना पड़ेगा। हम इंटर्नशिप के लिए आए हुए, मतलब हमें ये सीन सेटअप कर देना है। लास्ट जो क्लास थी जिसमें हमने बेसिक मॉडलिंग की थी और इस साइट मैप को बनाने की बात की थी, तो उस हिसाब से हमें ये सब बना देना है अपने पार्ट पर। अगर वो नहीं बन रहा है तो बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ, ठीक है। अगर ये हो गया है तो उसके बाद सबसे पहला काम ये होता है कि हम कैमरा डिसाइड कर ले कि हमारे शॉट्स क्या बनेंगे, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले स्क्रीन प्ले कह लो, प्री प्रोडक्शन कह लो, चीज़ पहले डिसाइड हो जाए कि हमें दिखानी क्या चीज़ है, हम करने क्या वाले हैं। तो अभी अपन वॉक थ्रू के हिसाब से इसमें कुछ एक कैमरा लगा देते हैं, ठीक है। 3 शॉट लगा लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से उन्हीं शॉट्स पे हम करेंगे काम। और अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग 3 फाइलें मैक्स की बना लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये स्विमिंग पूल का एरिया है, सेंटर में एरिया है, काफ़ी अच्छा है, तो इस एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं और यहाँ हम किसी एक विला को ले सकते हैं, ठीक है। इस विला को, इस एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ हमें कुछ प्लेइंग एरिया भी दिख रहा है और ये कुछ बड़ा गार्डन एरिया है, तो इसे भी हम देख लेंगे किसी तरीके से अच्छा सा डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लोजअप में लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी जगह है तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी जगहों पर मतलब कैमरा दौड़ा देना है 100 की स्पीड से, दिखेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, जब आप हाईवे पे चल रहे होते हो, फ्लाईओवर से उतर रहे होते हो, तो वहाँ होर्डिंग लगे हुए होते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें लिखी होती है, बाकी सिर्फ इमेज होती है, पढ़ने लायक वही चीज़ होती है ना, क्योंकि आप स्पीड से निकल जाओगे। अब इतनी बड़ी जगह में से अगर स्पीड से हम निकल गए तो दिखेगा कुछ भी नहीं और हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम स्पीड से ना निकलकर जो हमारी मेन एमिनिटी है, जैसे कि एक तो आउटहाउस है या विला है जो भी है इस रिजॉर्ट में, और दूसरी एमिनिटी है सबसे बड़ी स्विमिंग पूल। हर बंदा कहता है यार पूल है तब तो जाएंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे, रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। गार्डन, ग्रीनरी, पूल और जहाँ वो रुक रहा है वो जगह, ये 3 चीज़ें मेन है किसी भी रिजॉर्ट की या किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है। अगर हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली घर का एलिवेशन है, उसका इंटीरियर लग्जरी है, रिलैक्सिंग है, दिखने में अच्छा है तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कैमरा मैंने यहाँ पर क्रिएट करना है, तो मैंने सबसे पहले फ्री हैंड कैमरा लगा रहा हूँ मैं। फ्री हैंड का मतलब अपने हिसाब से मैनुअली, ठीक है, कोई पाथ बनाकर या किसी ऑब्जेक्ट को अटैच करके या रिग करके नहीं कर रहे, सिंपली कैमरा लगा दिया, ऑटो की हमने क्रिएट किया। ये टाइमलाइन होती है नीचे, ठीक है, ये टाइमलाइन कह रही है कि अभी 100 फ्रेम तक का एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब 100 फ्रेम का मतलब 100 घंटे या 100 मिनट नहीं है या 100 सेकंड नहीं है, वो क्या है वो समझने के लिए हम यहाँ टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ अलग अलग डिस्प्ले टाइप्स। हम इसे फ्रेम्स में भी ले सकते हैं, मिनट सेकेंड में भी ले सकते हैं, ठीक है, और जैसे आपको ठीक लगे। फ्रेम्स में सिंपल सी गणित होती है, 30 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, 30 FPS का काम होता है, मतलब एनिमेशन होता है जो कि नेचुरल होता है, हमारा जो नेचुरल बॉडी मूवमेंट होता है 30 फ्रेम्स का होता है पर सेकेंड, ठीक है, 30 FPS फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप गेमिंग में जा रहे हो तो ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम, ठीक है, जैसे कि पबजी, तो वहाँ FPS लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन गेम खेलना है या फिर हमें दूसरा गेम खेलना है, उसमें मोड होते हैं अलग अलग गेम के, तो वो फर्स्ट पर्सन शूटिंग होता है, पर यहाँ पर हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो फ्रेम पर सेकंड है 30, ठीक है। अब 100 फ्रेम्स है, 30 फ्रेम मतलब 1 सेकंड है, तो 90 फ्रेम में कितने सेकंड हो गए, 3 सेकंड, ठीक है, तो 10 फ्रेम हमारे पास एक्स्ट्रा है। और नहीं समझ में आता तो या मिनट सेकंड और टिक्स पर क्लिक कर लो, काम खत्म। तो अब यहाँ पर जब भी देखोगे ये दिखा रहा है कितने हो गए,
ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, और यहाँ पर 3 सेकेंड और 1600 टिक्स, मतलब नैनो सेकेंड कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। अगर एग्जैक्टली नैनो सेकेंड होता तो यहाँ पर टिक्स की जगह NM लिखा हुआ था, ठीक है, NS, NM होता है, नैनो सेकेंड नहीं, नैनोमीटर, नैनो सेकेंड NS ही हुआ, ठीक है, पर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर एक तरीका हो सकता है, हम यहाँ प्ले करें और आंखें बंद करके खुद विजुलाइज करें कि कैमरा चलेगा सॉफ्टली तो कितना चलेगा, ठीक है। नॉर्मली मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं खुद को विजुलाइज करूँ आंख बंद करके कि यहाँ से मैं इस चीज़ को देखता हूँ, सॉफ्टली मुझे कैमरा मूव करना है तो कब प्ले होगा और कब रुकेगा, यही प्ले और पॉज का बटन है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इजीली मैं देख सकता हूँ। व्यू पोर्ट आपका हैवी रहेगा तो प्ले करने में ये कुछ फ्रेम्स जंप करता रहेगा, ठीक है। मैंने शिफ्ट जी कर दिया तो व्यू पोर्ट हो गया एकदम हल्का, ठीक है, लेकिन फिर भी सीन में सब चीज़ें है, हैवी है तो ये जंप कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो फिर। आइज़ क्लोज, बढ़िया से मैं यहाँ से बस इसे फ्रंट से स्लाइटली मूव देना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि हाँ अब ये फ्रंट तक आ गया स्लोली, तो करीब करीब मेरे को लगता है 100 फ्रेम में मैं हल्का सा स्लाइटली मूव कर सकता हूँ, 3 सेकेंड का एक मोशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इसे हल्का सा स्लाइटली मूव कर दिया, ये 3 सेकेंड का, ठीक है, ये आ गया बीच में, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्लांटर होगा या कुछ ना कुछ दीवार होगी या इसका कोई पार्ट होगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड हम यहाँ पर अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तो ये एरिया हमें क्लोजअप वाला ब्लरिश दिखेगा और फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी पर रहेगा, ठीक है। देखा तो स्लोली प्ले करके, मतलब प्ले करके देखा तो स्लोली मोशन आ गया फर्स्ट कैमरा हमारा। इसमें अब स्लोली करने से फ़ायदा ये है कि पानी में अगर कोई मूवमेंट है तो वो दिखाई देगा, यहाँ पर अगर हमने पेड़ वगैरह लगा रखे हैं या कोई ह्यूमन है वॉक कर रहा है तो वो दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आपको करेक्टर्स अलग से डाउनलोड करने पड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें दिखाई देगी, मतलब मूवमेंट्स आपको दिखाई देगा। अगर स्पीडली चल लोगे तो आपको किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जितना स्लोली आप चलोगे उतना ही आपको डिटेल मूवमेंट दिखाई देगा, एनिमेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो फर्स्ट शॉट हो गया रेडी, मैंने पर्सपेक्टिव ले लिया, ठीक है।